बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम क्लास टू मोंटेसोरी जूनियर। आई एम टीचर आमना। नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश बिगिनर। ओपन पेज नंबर 34। यूज ऑफ फुल स्टॉप। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड द डिफरेंस। इट इज अ बॉल। इट इज़ अ बॉल। सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा के हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इट इज़ अ बॉल। इट इज़ अ बॉल। इट इज़ अ कैट। इट इज़ अ कैट। यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड द डिफरेंस। आमना इज़ अ गर्ल। ए स्मॉल है फर्स्ट वर्ड हम कैपिटल राइट करेंगे। आमना इज अ गर्ल। आमना इज अ गर्ल। ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। नेक्स्ट पेज नंबर 35। दिस एंड दैट। लुक एंड रीड द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस एंड दैट। दिस इज अ बॉट। टी एच आई एस दिस। आई एस इज अ बी ओ ए टी बॉट। दिस इज़ अ बॉट। जो चीज़ करीब होती है उसके लिए दिस यूज़ होता है, जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट यूज़ होता है। ये देखिए, ये बॉट करीब है इसके लिए दिस यूज़ हो रहा है। ये दूर है इसके लिए दैट यूज़ हो रहा है। दिस इज़ अ बॉट। दैट इज़ अ बॉट। दिस इज़ अ ट्री। दैट इज़ अ ट्री। दिस इज़ अ रैबिट। दैट इज़ अ रैबिट। दिस इज़ अ बर्ड। That is a bird. Next page number 36. Review. Write this and that. The complete each sentence. Write this and that to complete each sentence. This is a cat. Tree दूर है इसके लिए हम that write करेंगे. That is a tree. This is a cat. That is a tree. This is a football. That is an ostrich. This is an apple. That is a table. That is a table. Next page number 37. These and those. Look and read the given sentences by using these and those. Look and read the given sentences by using दीज एंड दोज। एक से ज़्यादा चीज़ें जो करीब हों उसके लिए दीज यूज़ होता है, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें दूर हों तो उसके लिए दोज यूज़ होता है। टी एच ई एस ई दीज आर कार्स। दीज आर कार्स। टी एच ओ एस ई दोज आर कार्स। दोज आर कार्स। दीज आर फेयर्स। दीज आर फेयर्स। दोज आर फेयर्स। These are flowers. These are flowers. Those are flowers. These are balloons. These are balloons. Those are balloons. Those are balloons. Next page number 38. Review. Write these and those to complete the sentences. These are orange. Orange करीब है इसके लिए these यूज हो रहा है। These are orange. Those are elephants. Those are elephants. These are flowers. Those are trees. Those are stars. These are lines. These are lines. Next page number 39. He and she. He and she. Read the given sentences by using he and she. This is Ahmed. This is Ahmed. He is a boy. Boy के लिए he use होता है and girl के लिए she use होता है. This is Ahmed. He is a boy. This is Fatma. This is Fatma. She is a girl.
She is a girl. This is Bilal. This is Bilal. He is a doctor. This is Hina. She is a teacher. Next page number 40. His and her. Read the given sentences by using his or her. Read the given sentences by using his or her. This is a girl. This is a girl. Her name is Anam. किसी लड़की के बारे में बात करने के लिए हर यूज़ होता है, और जब बॉयज़ की हम बात कर रहे हों तो उसके लिए हिज यूज़ होता है. दिस इज अ गर्ल. दिस इज अ गर्ल. हर नेम इज अनम. हर नेम इज अनम. दिस इज अ बॉय. दिस इज अ बॉय. हिज नेम इज उस्मान. हिज नेम इज उस्मान. This is Zainab. This is Zainab. Her scarf is green. This is Ali. This is Ali. His cap is blue. His cap is blue.